उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनकी शादी, धोखा और बेवफाई की कहानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। एक सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ने में मदद की और जब मेहनत कर ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई तो फिर अब पति से तलाक चाहती हैं, क्योंकि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ज्योति का। हालांकि ज्योति का कहना है कि वो उनकी निजी जिंदगी है, अफेयर है नहीं है ये उनका निजी मैटर है, जबकि मनीष दुबे अभी तक इस मामले में बिल्कुल शांत थे। पहले आलोक मौर्य पत्नी पर इल्जाम लगाते रहे, उसके बाद जब एसडीएम ज्योति मौर्य को लगा कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है तो उन्होंने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कह दी। इसी बीच में मनीष दुबे का बयान सामने आया है। ज्योति मौर्य का, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है, वो मनीष दुबे आलोक मौर्य के लिए कह रहे हैं कि जो पढ़ाने का दावा कर रहा है वो नहीं बता सकता कि पेपर कितने होते हैं। जी, ज्योति मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करने के साथ ही एक बात जो मनीष दुबे ने कही वो ये कि आलोक कह रहा है कि उसने ज्योति को पढ़ाया, लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाए। जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं, क्या सच में कोई हमें बना सकता है? मनीष दुबे ने आलोक मौर्य को लेकर फिर ये भी कहा, जो पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो ये नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं। हैरत में हूँ कि इस चीज को इतना बढ़ाया जा रहा है, पर्सनल मामला था, इस चीज को वहीं खत्म होना चाहिए था। फिर इसके बाद जब मनीष दुबे से सवाल किया गया कि ज्योति से कहां मुलाकात हुई, बातचीत कैसे आगे बढ़ी, तो इस सवाल को टाल गए मनीष दुबे साहब। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का कहना है कि जो बातें हो रही हैं वो लाई गई हैं, उन्हें ना मैं लेकर आया हूं ना ही वो लड़की लेकर आई है, कोई तीसरा आदमी लेकर आया है। इस परेशानी में हम अपना प्रोफेशनल काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अब इस मामले में हमारे बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगा, हम नियमों से बंधे हैं। मनीष ने फिर ये भी कहा, अगर मैं या ज्योति आम व्यक्ति होते तो बोल देते, हमारा इस कुर्सी पर बैठना गुनाह हो गया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी कर रहा था, मगर पता नहीं कहां आकर फंस गया। मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, इसलिए कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। मतलब मनीष दुबे ने आलोक मौर्य के लिए जो बोलना था वो तो बोल दिया, लेकिन बात जहां उनकी और ज्योति मौर्य की आई तो वो एक जिम्मेदार पद पर हैं, वहां बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते। वहीं इधर उत्तर प्रदेश शासन ने ज्योति मौर्य से पूरे मामले को लेकर सवाल किए हैं, उन्हें जवाब तलब किया, जिस पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं, जिन्हें नियुक्ति विभाग को भेज दिया गया है। हालांकि ज्योति ने ही जांच में सहयोग न करते हुए कहा था कि वो किसी को कुछ नहीं कहेंगी, सीधा अदालत को ही जवाब देंगी। वहीं आलोक मौर्य ने तो पत्नी ज्योति मौर्य पर अपनी हत्या तक की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। आलोक मौर्य का कहना है, होमगार्ड में जिला कमांडेंट मनीष दुबे से पत्नी का अफेयर चल रहा है, वो मनीष के साथ मिलकर मेरी हत्या करवा सकती है। इसी शिकायत पर डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने मनीष के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसी शिकायत को लेकर डीआईजी ने ज्योति को नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। ज्योति ने लिखित में जवाब देकर इसे अपना व्यक्तिगत मामला करार दिया है। ज्योति ने कह दिया है कि वो कोर्ट में ही अपना पक्ष रखेंगी और होमगार्ड विभाग की तरफ से की जा रही जांच में सहयोग नहीं करेंगी। हालांकि ज्योति ने इस बात को माना है कि आलोक ने उनकी पढ़ाई में मदद की, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि आलोक इस तरह से उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, ज्योति के मुताबिक उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ज्योति ने कहा, रिश्ता कितना भी खराब हो जाए उसे लीगली सुलझाया जाता है, मगर आलोक ने 12 साल के रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर तार तार किया है। अब ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक मौर्य ने रिश्ते को तार तार कर दिया। आलोक आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति और मनीष मिलकर उनकी जान भी ले सकते हैं, और मनीष कह रहे हैं कि अगर पढ़ाया लिखाया तो आलोक ये भी नहीं बता पाएंगे कि इस पढ़ाई में पेपर कितने होते हैं। वैसे आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके मुताबिक इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत? क्या ये जो मनीष दुबे का बयान सामने आया है आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह की बात उन्होंने आलोक मौर्य के लिए कही है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।